आज की इस वीडियो में हम हमारी जो सलवार की बॉटम होती है उस पर हम पोंचे को कैसे अटैच करते हैं, उस पर पोंचा कैसे बनाते हैं, यही सीखेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले हमारी जो सलवार है इसको तख्ते और कलियां जोड़कर इसको नीचे से रेडी कर लिया है। यह हमने यहाँ पर सीधी साइड रखी है। अब हम इस पर पोंचे को अटैच करेंगे। तो इसके लिए जैसे आपको जितना ऊंचाई का पोंचा बनाना है आप वह पोंचा कट कर लें। अगर आप फोम की पट्टी पर बनाना चाहें या पेस्टिंग रोल पर बनाना चाहे वह आप पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर मैंने फोम की पट्टी ली है और इस फोम की पट्टी की जो ऊंचाई है वो 3 इंच है। साथ में मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है इसके नीचे अटैच करने के लिए। यह फैब्रिक कितना होना चाहिए कि जिसमें हमारे जो अगर यह फैब्रिक है जो अगर ट्रांसपेरेंट है तो आपको इसको कवर करने के लिए दोनों साइड से डबल चाहिए। लेकिन अगर आपका यह फैब्रिक ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आपकी पट्टी है जो वो कम चौड़ाई की भी चल सकती है। तो उसकी चौड़ाई होनी चाहिए जैसे कि हम यह पेस्टिंग इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से हमारा यह यहाँ पर सिलाई आ जानी चाहिए। अब यहाँ पर हमें इसको दो तरीके से अटैच कर सकते हैं। पहला, आप इस पट्टी को इस फैब्रिक पर अटैच करके भी आप पहले इसको रेडी कर सकते हैं और फिर बाद में इस पर अटैच कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस पर साथ में ही रेडी करेंगे, यानी कि साथ में ही अटैच करेंगे, हम इसको अलग से नहीं बनाएंगे। तो हम सबसे पहले हमारी जो बॉटम है इसको सीधी साइड से रखेंगे और यह जो हमने पट्टी कट की है इसको इसके ऊपर बिल्कुल किनारे से किनारे को मिलाते हुए रखेंगे। साथ में हमने जो यह पट्टी ली है इसको भी इसी तरह से किनारे पर मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पर एक पांव का मार्जिन रखते हुए इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ देखिए हमने इसको एक पांव का मार्जिन रखते हुए नीचे से अटैच कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको यह जो हमने पट्टी अटैच की थी इसको यहाँ इस तरह से फोल्ड करके लेके आएंगे और यहाँ से कच्ची सिलाई पर, सिर्फ इस पट्टी पर कच्ची सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। यह देखिए इस पर हमने सिलाई लगाकर हमारी पट्टी से अटैच कर लिया है। अब हम अपनी सलवार की सीधी साइड आएंगे और यह जो पट्टी हमने इस पर अटैच की है इसको घुमाकर उल्टी साइड लेके जाएंगे। यह देखिए इस तरह से, और हमारा जो पीछे से फैब्रिक है जो यहाँ या जो हमने सिलाई लगाई थी वो यहाँ पर आएगी। आपको कभी भी इसको इस तरह से नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर फिर ये काफी मोटा हो जाता है। आपको हमेशा ही इसे इसी तरह से इतनी जैसे कि जितना हमारा कपड़ा हम इसको खींचेंगे सिर्फ उतना ही यहाँ पर इसको खींचना है और रखना है। यह सिलाई हमारी ऐसे ही रहेगी। और अब हम इसकी किनारी किनारी पर से सिलाई को लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने नीचे की साइड एक लाइन लगा ली है और उल्टी साइड हमारा पोंचा है जो इस तरह से दिख रहा है। अब हमने क्या करना है, एक पांव का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से एक और सिलाई को लगा लेंगे। यहाँ पर हमारी जो सलवार मोहरी पर जो हमने पोंचा अटैच करना था वो हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जो अपना पैटर्न बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम लाइनें लगाएंगे। तो यहाँ पर हम एक और लाइन लगाकर यहाँ पर सिलाई को लगाएंगे। यहाँ पर नीचे की साइड हमने दो लाइनें लगा ली हैं। सेम हम यहाँ ऊपर किनारी पर से एक सिलाई लगाकर यहाँ भी दो लाइनें इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे।
अगर आपको यह ऊपर की लाइन इधर से लगाने में प्रॉब्लम है तो आप इसको उल्टा करके यहां से भी यह सिलाई लगा सकते हैं। सबसे मेन रहेगा, अगर आप सभी यह सिलाई लगाएं और आपको नजर नहीं आ रहा कि नीचे क्या है, आप अपनी उंगली से इस यह लाइन बनाएं और बिल्कुल इसी सीध में अपनी सिलाई को लेकर आएं। यहाँ पर देखिए हमने ऊपर और नीचे दो दो लाइनें लगा ली हैं। अब हमने क्या करना है, जो यह हमारी खाली लाइनें हैं यहाँ पर जिगजैग पैटर्न को फिल कर लेना है। मेरी मशीन जिगजैग पैटर्न में है तो मैं इसको जो है एक पर सेट करके जिगजैग पैटर्न को बना लूंगी। अगर आपकी मशीन जिगजैग नहीं है, सिंपल है, तो आप सिंपली हाथ को मूव करके भी यहाँ पर लाइन को बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अपनी सलवार की जो मोहरी हम बना रहे हैं दोनों साइड दो दो लाइनें ड्रॉ करके इनमें जिगजैग पैटर्न को फिल कर लिया है। उल्टी साइड से देखने से यह देखिए हमारा पहुंचा कुछ इस तरह से दिख रहा है और सीधी साइड से हमारा पहुंचा यह नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हम अपनी पसंद से पैटर्न को फिल कर लेंगे। मैं यहाँ पर जो है पहले निशान लगाऊंगी दो दो इंच की गैप पर। यहाँ पर सबसे पहले हम एक सीधी लाइन लगा लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर दो दो इंच की गैप पर निशान लगाऊंगी। निशान आपको नीचे की साइड भी लगाने हैं। यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस लाइन से, इस बिंदु से यहाँ पर और यह इसको इस पर करते हुए हम जिगजैग पैटर्न को बनाएंगे। सेम इसी तरीके से हमें इस साइड से भी जिगजैग पैटर्न को बना लेना है। यहाँ से देखिए हमने ये बॉक्सेस बना लिए हैं। अब हमें यहाँ पर पैटर्न को फिल करना है। हम यहाँ पर जो है पत्तियों का डिजाइन ड्रॉ करेंगे। करना है सबसे पहले इसको इस तरह से लेके आएंगे और यहाँ से इस तरह से, या फिर आप कर सकते हैं कि पहले हम एक पत्ती को ड्रॉ करेंगे उसके बाद हम फिर दूसरी पत्ती को ड्रॉ करेंगे। तो हम मैं पहले सबसे पहले मशीन को यहाँ से लेकर यहाँ पर आऊंगी और फिर यहाँ से इसको वापस लेके जाऊंगी और फिर वापस आऊंगी। तो मैं इस तरह से यहाँ पर पत्तियों का डिजाइन बनाऊंगी। हम यहाँ पर भी ऐसे ही पत्ती ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर आना है और सेम इसी तरह से यहाँ पर पत्तियां ड्रॉ करनी है।
यहाँ पर देखिए, हमने इसके साथ ये जो हमारी पत्तियां कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ पर जो है प्लस के निशान लगाए हैं, ताकि हमारा जो यह पैटर्न है यहाँ से खाली नजर ना आए। सेम सभी में हम इसी तरह से यह निशान बना। इसी के साथ यह देखिए, यह हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट होता है। अगर आप कोई डिफरेंट पैटर्न देना चाहते हैं तो वह भी दे सकते हैं। इसी के साथ यह देखिए, एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारी जो सलवार की पोंचा है वो बना है, और उल्टी साइड से देखने पर भी यह देखिए एकदम पूरी सफाई के साथ आपको नजर आ रहा है। तो इसी के साथ यह आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।